वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स डू हाउ द रेट इज चेंज। सी आज फोर्थ लेक्चर है, ये रेट देखो बार बार चेंज हो रहा है। अब हम करेंगे ये रेट चेंज होता क्यों है। रेट फ्लेक्सिबल के अंदर डिटरमिन कैसे होता है, जैसे कोई भी, सभी ध्यान देना, जैसे कोई भी कॉमोडिटी का रेट डिटरमिन होता है, उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज का रेट भी डिटरमिन होता है। सेम लाइक दिस इज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। दिस इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हमने लेक्चर 3 में पढ़ा है। जिस रेट पे ये इक्वल आ रहा है वो रेट मार्केट में है। तो फर्स्ट लेक्चर के टाइम पे वो रेट था 75.37 और आज के टाइम पे वो है 75.49 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो क्वांटिटी है इंडिया में उतने डॉलर्स है, 1 lakh billion और वट एवर। हियर वी हैव इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ डॉलर। हियर वी हैव इज फॉरेन एक्सचेंज रेट रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर। जो एक्सप्लेनेशन है वो पाउंड में है तो यहां पाउंड कर देते हैं, स्टर्लिंग पाउंड, यूके पाउंड, एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रेट। और ये रेट चेंज होता रहता है, चॉकलेट 10 की, 5 की, 12 की, मैगी 10 की, 12 की, मार्कर कभी 28 का, कभी 32 का, कभी कोक की बोतल का रेट चेंज, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट भी चेंज होता रहता है। पेज 114, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। इक्विलिब्रियम इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज डिटर्मिंड इन द सेम वे एज द प्राइसेस ऑफ अ कॉमोडिटी थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी करेंसी का रेट उसी तरीके से डिटर्मिन किया जाता है जैसे किसी भी कॉमोडिटी का रेट डिटर्मिन होता है। द एक्सचेंज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लाइक एनी अदर मार्केट कंटेन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। द प्राइस इन द वर्टिकल एक्सिस इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ऑन एक्सिस इट इज प्राइस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हाउ मेनी रुपीज फॉर 1 UK pound, एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर्स द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फॉरेन करेंसी। यहां पर है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। The intersection of supply and demand curve determines the equilibrium rate of foreign exchange. जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है वो ही है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज शोन ऑन एज OP, क्योंकि OP है कि तो मैं यहां OP कर देता हूं, OP एज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। Please make the diagram. Please make the diagram so that we can give the explanation as well. नीचे space given है, diagram बनाइए। X axis पे quantity demanded and supply of pound, Y axis पे foreign exchange rate rupees in terms of pound, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट E, कॉरेस्पॉन्डिंगली OP इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन
DD is a downward sloping demand curve. Write down the explanation. DD is a downward sloping demand curve representing inverse relationship between foreign exchange rate and quantity demanded. Full stop. SS, this is DD. Full stop ke baad. SS is an upward sloping supply curve. Of foreign exchange representing direct relationship between foreign exchange rate and its quantity supplied. Full stop. DD intersects SS at point E. DD intersects SS at point E. Which is foreign exchange market equilibrium, Full stop. Correspondingly, OP is determined foreign exchange rate. Under flexible exchange method. इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे. ओपी इज डिटर्मिंड, जो रेट निकला है, जो इस टाइम पे 75 रुपीज 49 पैसे है पर डॉलर या पाउंड. ओपी इज डिटर्मिंड फॉरेन एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड एंड ओक्यू इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. OQ is equilibrium quantity. अगर मैंने इस पेज में कहीं भी डॉलर बोला है तो इट इज पाउंड, क्योंकि डायग्राम में पाउंड है और एक्सप्लेनेशन में पाउंड है. लेट्स मेक अ शेड्यूल, एक शेड्यूल बना लेते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रेट रुपीज इन टर्म्स ऑफ $1, डिमांड सप्लाई, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ डॉलर. जैसे रेट है 74, 75, 76, 77, 78. डॉलर की डिमांड, रेट बढ़ रहा है तो फॉरेन गुड्स हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे. फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ जाए, कम हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन, जिससे हम फॉरेन करेंसी की डिमांड नहीं करेंगे. फॉरेन करेंसी को इंडिया में रख के करना क्या है, तो डिमांड कम हो जाएगी. लेट इट बी 1200, 1150, 1100, 1000, 950.
बिलियन डॉलर्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, फॉरनर्स को इंडियन गुड्स सस्ते मिलेंगे, उनको उतने ही पैसों में इंडिया के ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, उतने ही डॉलर में इंडिया के ज़्यादा पैसे मिलेंगे, रुपये ज़्यादा मिलेंगे, दे विल स्पेंड मोर, सप्लाई इंक्रीज करेगी। 950, 1,000, 1,100, 1,150, 1,200। सो डिमांड सप्लाई किसके इक्वल है? 76 पे। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिंड इस पॉइंट पे, दैट इज इक्विलिब्रियम एट रुपी 76 पर डॉलर, एक डॉलर 76 रुपए का हमें पड़ेगा। ये रेट क्यों चेंज होता है? इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, यूएस इतनी बड़ी कंट्री है, हर रोज हर टाइम हम बार बार फॉरेन के गुड्स खरीदते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, एयरपोर्ट की टिकट बुक करते हैं, एयरलाइंस की टिकट बुक करते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं, कमांड देते हैं, वो 2-3 मिनट के अंदर इंटरफेस पहुंच जाता है आरबीआई के पास और वो रेट चेंज हो जाता है डिमांड सप्लाई की वजह से। आई थिंक आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पेज नंबर 23। क्वेश्चन 23, पेज 119। एक्सप्लेन हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिंड। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटर्मिन होता है? 4 मार्कर और 6 मार्कर आपका आंसर रहेगा। ये सबसे पहले आप फ्लेक्सिबल मेथड की डेफिनेशन देंगे, फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम की डेफिनेशन देंगे। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम इज दैट इन विच द रेट इज डिटर्मिन्ड अंडर मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एफ इज आर ऑफ डी एंड एस, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में समझा था। इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे डिमांड, डिमांड के सोर्सेस, फिर सप्लाई के सोर्सेस। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिख लेंगे, और फिर डिटर्मिनेशन, हाउ इट इज डिटर्मिन्ड। सो बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन पेज नंबर 111, 12, 13, 14। इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने और इसको सिर्फ ब्रीफ में लिखने, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना डिमांड के सोर्सेज और सप्लाई के सोर्सेज, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले डेफिनेशन, फिर डिमांड के सोर्सेज सिर्फ लिख दो और बताओ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, फिर सप्लाई के सोर्सेज सिर्फ लिख दो और बताओ सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होती है, और फिर है मेन कंटेंट। ये कर्व बना के एक्सप्लेन करो, शेड्यूल को इग्नोर कर सकते हो, शेड्यूल सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, यू मे इग्नोर द शेड्यूल, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। दिस इज आंसर नंबर 23, डन। मूविंग ऑन, पेज नंबर 115, पेज नंबर 115, आप में से कई बच्चों के माइंड में ये चीज आई होगी कि रेट इतनी जल्दी कैसे चेंज हो रहा है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड और अ मैटर ऑफ मिनट्स, सम मिनट्स, फ्यू मिनट्स कि रेट एकदम चेंज हो जाता है। लेट्स सी हाउ। सी देखिए, दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर और पाउंड। दिस इज सप्लाई कर्व ऑफ पाउंड
ये रेट डिटरमिन हो चुका है ओ आर, दिस इज द इक्विलिब्रियम रेट. हेयर वी हैव इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ पाउंड एंड हेयर वी हैव इज फॉरन एक्सचेंज रेट दैट इज रुपीज इन टर्म्स ऑफ पाउंड. मार्केट में पता नहीं क्या हुआ बट ऐसे चेंजेस हुए कि पाउंड की डिमांड बढ़ गई. बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने, यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अपने लॉस इजी कर दिए. अब इंडियंस वहाँ जाके इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज्यूम कर लो. अब इन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, वहाँ की गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि इंडियंस वहाँ जाके एफडीआई कर सकते हैं, इंग्लैंड में जाके, स्कॉटलैंड में जाके, आयरलैंड में जाके, व्हाट दे कैन डू इज इन्वेस्ट. इससे क्या होगा, यूके की करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज. डिमांड इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि रेट कम हुआ है, अदर फैक्टर्स. डिमांड इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि पाउंड सस्ता हुआ है. डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि उन्होंने पीआर के लॉस इजी कर दिए, इन्वेस्टमेंट के लॉ इजी कर दिए, टूरिज्म का वीज़ा इजी कर दिया. तो पाउंड की डिमांड बढ़ जाएगी. चलिए एक और एग्जांपल मेरे माइंड में अभी आया, मुझे पहले ये देना चाहिए था. 2020 में ओलंपिक्स थे, जो शिफ्ट कर गए 2021 में. जापान में ओलंपिक्स है, अब 2021 में जापान में ओलंपिक्स है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ ओलंपिक्स देखने जाएंगे. तो जापान की करेंसी की डिमांड बाकी कंट्रीज में इंक्रीज कर जाएगी, राइट, किसी और फैक्टर्स की वजह से. बैक टू द टॉपिक, इंडिया का एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अगेन. इंडिया में पाउंड की डिमांड बढ़ गई, तो जब आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो डिमांड ऐसे शिफ्ट करती है, पर वो बहुत माइनर होती है, इसलिए पता नहीं लगता 200 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, 400 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है. इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की. थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स अब इंडिया से इंग्लैंड में जाके इन्वेस्ट कर रही हैं, तो पाउंड की डिमांड बढ़ गई. अब पुरानी डिमांड को भूल जाओ, भूल जाओ पुरानी डिमांड को, ये नया रेट है. और ये नया इक्विलिब्रियम है. तो पाउंड महंगा हो जाएगा. आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा, कई स्टूडेंट्स सोचते हैं पाउंड महंगा क्यों हो रहा है. इस वजह से, क्योंकि इंडियंस वहां की करेंसी की डिमांड बढ़ाते हैं. डिमांड उल्टी होगी, कम हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगा, अपोजिट इफेक्ट है. व्हेन द डिमांड विल डिक्रीज, डीडी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, द रेट विल फॉल, इक्विलिब्रियम विल मूव टू E0. ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर किया था, उसमें ये सब समझा था. पेज नंबर 115, इफेक्ट ऑफ करेंसी बाय शिफ्टिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अगर डिमांड और सप्लाई शिफ्ट कर रहे हैं तो करेंसी पे उसका क्या फर्क पड़ेगा. चेंज इन डिमांड, पहले डिमांड को चेंज कर दें. इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंप्लाइज डेप्रिसिएशन इन फॉरेन करेंसी. जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमारी करेंसी नीचे आएगी, हमारी इकोनॉमी वीक होगी. दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन. ये देखिए 37 से 40 हमारी करेंसी डेप्रिशिएट की, रेट कम हुआ हमारी करेंसी एप्रिशिएट की, रेट बढ़ गया हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई. इट मींस डोमेस्टिक करेंसी इज लेस वैल्यूएबल रिलेटिवली. रेट बढ़ गया तो हमारी करेंसी पाउंड के मुकाबले
वीक हो गई है, रुपया वीक हो गया है, रिलेटिवली सस्ती हो गई है। अब इंडियंस को पाउंड महंगा मिलेगा। सी फिगर, दिस इज द फिगर, इनिशियल डिमांड कर्व इज DD, दिस इज फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी UK, दैट इज पाउंड। दस एक्सचेंज रेट शिफ्ट्स फ्रॉम OR टू OR1, पहले रेट था OR, अब हो गया OR1। बिकॉज ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम DD टू D1, कॉन्सिक्वेंटली प्राइस ऑफ UK पाउंड राइजेस फ्रॉम OR टू OR1, पहले रेट था OR, अब रेट हो गया OR1। बिकॉज ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम DD टू D1, consequently UK pound rises from OR to OR1, it is a situation of, please underline, rise in exchange rate, जो rate है वो बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है currency, while pound is appreciating, rupee is depreciating, please underline the word appreciate, जब भी question में depreciation होगी आप home currency के हिसाब से सोचेंगे, मैंने आपको goods बेचे, मेरे लिए आप debtor हो, आपके लिए मैं creditor, गेटिंग दिस इज वन एंड टू इफेक्ट, डुअल इफेक्ट। तो जब हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, हम होम करेंसी की बात कर रहे हैं, अपनी करेंसी की, जब रेट बढ़ेगा तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी और उनकी करेंसी एप्रिशिएट। डिक्रीज इन डिमांड विल हैव अपोजिट इफेक्ट, अगर डिमांड कम हो रही है तो इसका अपोजिट इफेक्ट होगा, उल्टा इफेक्ट होगा। क्लियर एवरीवन? डायग्राम बनाइए, प्लीज मेक द डायग्राम, मेक द डायग्राम। उसकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ वन लाइन की रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। मेक दिस डायग्राम स्पीड अप। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ डॉलर, y एक्सिस पे फॉरेन एक्सचेंज रेट रुपी इन टर्म्स ऑफ पाउंड, DD बनाइए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, SS बनाइए अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बनाइए E, कॉरस्पॉन्डिंगली प्राइस रखिए OR। अब जो D1 इंटरसेक्ट कर रहा है SS के, उसको पॉइंट दीजिए E1, कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट दे दीजिए OR1। और एक्सप्लेनेशन लिखिए, ड्यू टू राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ड्यू टू राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू D1, कॉमा मार्केट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम E टू E1, मार्केट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम E टू E1, फुल स्टॉप। This leads to increase in foreign exchange rate. Like, a change from $1 = ₹70 to $1 = ₹80, like a change from $1 = ₹70 to $1 = ₹80, full stop. This refers to depreciation of the home currency, that is rupee. The depreciation of home currency, that is rupee.
रुपया कच्चा हो रहा है, वीक हो रहा है, इसे हम ऐसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। ऐसा भी हो सकता है जब सप्लाई में चेंज हो। अगर सप्लाई में चेंज हो तब क्या इंपैक्ट होगा? लेट्स सी, पेज नंबर 116। दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व। दिस इज द इक्विलिब्रियम रेट, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड द रेट इज OR। क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ पाउंड फॉरेन एक्सचेंज रेट रुपीज इन टर्म्स ऑफ पाउंड। DDSS के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सामने आर पॉइंट है। अब मार्केट में ऐसी चीजें आई कि सप्लाई बढ़ गई, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये प्रूव हो गया कि चाइना से COVID-19 आया है और से इमेजिनरी, ये प्रूव हो गया कि COVID-19 चाइना से आया और चाइनीज गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आर्टिफिशियली नहीं बने बट गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, बाकी इकोनॉमी खराब हुई जिस वजह से। अब जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने चाइना से इन्वेस्टमेंट खत्म करके इंडिया में इन्वेस्ट किया, रिज्यूम कर लो। अब इंडिया में बाहर की कंट्री के पैसे ज़्यादा आएंगे, इंडिया में करेंसी बढ़ जाएगी, इंडिया में सप्लाई बढ़ जाएगी, द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। दिस इज सप्लाई कर्व एंड सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट S1 S1 से S0 S0। ये रेट जो था अब ये रेट नहीं है, रेट ये होगा, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम रेट। पाउंड सस्ता हो जाएगा, जिस करेंसी के, जिस कंट्री के इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे, जिस कंट्री के इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे उस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, मतलब हमारी कंट्री एप्रिशिएट करेगी, हमारी करेंसी ऊपर आएगी, द करेंसी विल एप्रिशिएट। कुल पेज नंबर 116, चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंप्लाइज एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी। इट मींस द डोमेस्टिक करेंसी इज रिलेटिवली मोर वैल्यूएबल, हमारी करेंसी कंपैरिजन टू अनदर करेंसी वैल्यूएबल बेटर होगी। सी फिगर, इनिशियल सप्लाई कर्व इज SS, there is forward shift of supply curve from S to S1 S1, तो S1 S1 कर दीजिए, supply बढ़ रही। Consequently, price of UK pound falls from OR to OR1, इसे भी OR1 कर देते हैं। It is situation of fall in foreign exchange rate, इससे foreign exchange rate नीचे आ रहा है, while pound is depreciating and the rupee is appreciating, please underline appreciating, जब रेट कम होगा तो कंट्री appreciate करेगी करेंसी। डिक्रीज इन सप्लाई विल हैव अपोजिट इफेक्ट, और अगर सप्लाई कम होगी चाइना के केस में अपोजिट इफेक्ट आ जाएगा। प्लीज मेक द डायग्राम, देन विल मेक विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेम। स्पीड अप, मेक द डायग्राम।
एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, वाई एक्सिस पे फॉरेन एक्सचेंज रेट रुपी इन टर्म्स ऑफ पाउंड, डीडी बनाइए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगी जो, एसएस बनाइए अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर, कॉरस्पॉन्डिंगली ओ आर आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड इक्विलिब्रियम, ड्यू टू सर्टन थिंग्स सप्लाई बढ़ गई, रेट बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ी, कोई और रीजन से सप्लाई बढ़ गई, एस एस को राइट वर्ड शिफ्ट कीजिए S1 S1, SS will shift to the right to S1 S1. अब नया इक्विलिब्रियम है E0, जहाँ पे DD S1 S1 से इंटरसेक्ट कर रहा है E0. Correspondingly जो रेट आ रहा है आप देख सकते हैं वो OR से नीचे आ रहा होगा, that is OR1. OR0 भी ठीक है, मैंने 1 लिखा क्योंकि नोट्स में 1 है तो एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से देंगे, और इट कुड बी अल्फा बीटा गामा जो मर्जी हो, एक्सप्लेनेशन ही देनी है. राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन नाउ, राइट डाउन एक्सप्लेनेशन. OR इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट, OR is the initial equilibrium foreign exchange rate as it corresponds to point E, as it corresponds to point E where DD intersects SS, where DD intersects SS. Full stop. Due to rightward shift in supply curve, that is increase in supply, due to rightward shift of supply curve, that is increase in supply, comma, equilibrium point shifts to E0, equilibrium point shifts to E0. Full stop. Now the new determined rate is OR1. Now the new determined rate, now comma, the new determined rate is OR1. Full stop. Here, home currency, domestic currency, here, comma, domestic currency, that is rupee. Here, comma, domestic currency, that is rupee, appreciates, full stop. It represents a change from, last time likhe, it represents a change from
1 pound is equal to rupees 72. 1 pound is equal to rupees 60. A change from 1 pound equals 70 to 1 pound equals 60. Right? Cool. So basically rate बढ़ रहा है तो currency depreciate कर रही है, rate कम हो रहा है तो currency appreciate कर रही है. This is the main funda basically. इससे related कुछ questions करते हैं और हमारा flexible exchange rate system खत्म हो जाएगा आज. तीन method थे, fixed, flexible and managed. Flexible आज wind up करेंगे. पहले इससे related कुछ questions करते हैं, काफ़ी questions हैं इससे related. पेज नंबर 118, पेज 118 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी लेड्स टू राइज इन. डेप्रिसिएशन से क्या होगा, डेप्रिसिएशन से क्या होता है, रेट बढ़ता है. जब रेट बढ़ेगा तो इंडियंस को फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव पड़ेंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. यही होता है ना. डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ना, जिससे इंडियंस को फॉरेन गुड्स महंगे मिलेंगे, जिससे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. राइज इन एक्सपोर्ट्स, ए इज करेक्ट. सेकंड का आंसर है ए, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. आप ये नोट डाउन कर सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग केसेस कॉमा इंडिकेट विच करेंसी इज एप्रिशिएटिंग एंड विच वन इज डेप्रिशिएटिंग. कौन सी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है और कौन सी डेप्रिशिएट कर रही है, ये आपको बताना है. आई होप यू गॉट द आंसर. ये रेट बार बार क्यों चेंज हो रहे थे. सिक्स्थ का ए, नो फिफ्थ का ए, फिफ्थ. अ चेंज फ्रॉम $3 इक्वल टू पाउंड, $3 इज इक्वल टू 2 pound, टू $4 इक्वल टू 2 pound. हमेशा एक करेंसी को वन में रखो, तभी कंपैरिजन कर पाओगे आप. यू नीड टू मेक वन. $1 इज इक्वल टू 2/3 pound, $1 इज इक्वल टू रुपी 0.67 pound. पहले $1 0.67 pound का मिल रहा था. आई रिपीट, $1 67 pound का मिल रहा था और अब $1 50 paise का मिल रहा है. अमेरिकन्स, डॉलर इज अमेरिकन, पाउंड इज ब्रिटेन. अमेरिकन्स को ब्रिटेन की चीजें सस्ती मिल रही हैं, रेट कम हो गया ना. अमेरिकन्स को ब्रिटेन की चीजें सस्ती मिल रही हैं क्योंकि पाउंड का रेट कम हो गया. दैट मीन्स डॉलर इज एप्रिशिएटिंग एंड पाउंड इज डेप्रिशिएटिंग. बी, अ चेंज फ्रॉम $125 टू डॉलर $183. पहले $2 $125 के थे, $2
125 रुपीज के थे, अब $3, हमें करेक्ट $3 180 रुपीज के हैं। किसी एक को वन में रखना पड़ेगा। $1 इज इक्वल टू 125 बाय 2, $1 इज इक्वल टू 62.5, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। पहले $1 हमें 62.5 का मिल रहा था, अब $1 60 रुपीज का मिल रहा है। पहले $1 62.5 का मिल रहा था, अब $1 60 रुपीज का मिल रहा है। दैट मीन्स हमें डॉलर सस्ता मिल रहा है। येस और नो? हमें डॉलर सस्ता मिल रहा है। रेट कम हो गया ना रुपीज के कंपैरेटिवली। रुपी इज एप्रिशिएटिंग एंड डॉलर इज डेप्रिशिएटिंग। या ऊपर भी चेंज था। रुपी क्या कर रहा है? एप्रिशिएट, हमें सस्ता मिल रहा है ना, तो पाउंड वालों को भी तो सस्ता ही मिल रहा है। तो डॉलर इज डेप्रिशिएटिंग एंड पाउंड इज एप्रिशिएटिंग, राइट? परफेक्ट। उस कंट्री के हिसाब से देखना जिसे सस्ता मिल रहा है। हमें डॉलर सस्ता मिल रहा है तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है। पाउंड वालों को डॉलर सस्ता मिल रहा है वो एप्रिशिएट कर रही है। कूल? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8, इफ रुपी 120 आर रिक्वायर्ड टू बाय $2 इंस्टेड ऑफ रुपी 100 फॉर $1 अर्लियर। पहले $1 $100 का था और अब $2 $120 के हैं, तो आप सीधा हिसाब लगा सकते हैं, हमें अब डॉलर सस्ता मिल रहा है। पहले हमें $100 का $1 मिल रहा था, अब $120 के $2 मिल रहे हैं, मतलब हमें ₹60 का $1 मिल रहा है। दैट मीन्स वी आर गेटिंग फॉरेन गुड्स चीपर एंड हेंस इंडियन करेंसी इज एप्रिशिएटिंग, वेयर एज फॉरेन करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग। So the right answer is A. Let's solve that. 8. $1 is equal to ₹100 to $2 is equal to ₹120. ये तो पहले ही वन में है। कहाँ हमें ₹100 का $1 मिल रहा था, अब हमें ₹60 का $1 मिल रहा है। मीन्स इंडियंस आर फाइंडिंग फॉरेन गुड्स चीपर, फॉरेन करेंसी ही सस्ती मिल रही है, एंड हेंस इंडियन करेंसी दैट इज रुपी इज एप्रिशिएटिंग एंड फॉरेन करेंसी विच इज डॉलर इज डेप्रिशिएटिंग। सो व्हाट इज द राइट आंसर? Domestic currency has appreciated, true. Domestic currency has depreciated, no. Foreign currency has appreciated, no. So the right answer is A. A is correct. Reason? Indians are finding foreign goods cheaper and foreigners are finding Indian goods expensive. And in our case, foreigner refers to the US, because US dollar की बात हो रही है यहां पे। Page 117, merits of flexible exchange rate and demerits of flexible rate system. See, जो fixed के merits हैं वो flexible के demerits हैं, जो demerits fixed के हैं वो merits हैं flexible के, because they are entirely different. Rope ki two different ends hain ye jo kabhi nahi milti. Merits of flexible: huge reserves of gold are not required to be maintained. Jis country ke paas zyada gold hai koi farak nahi padta gold ka, hardly matters. Jis
कंट्री की करेंसी की डिमांड ज़्यादा है उसका रेट स्ट्रांग होगा। इट प्रमोट्स वेंचर कैपिटल, लोग रिस्क लेते हैं, फॉरेन जाए ना जाए फॉरेन में इन्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि रिस्क लेते हैं, रेट बढ़ेगा कम होगा करेंसी वो प्रॉफिट कमा लेंगे, स्पेकुलेटिव गेंस। ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल करेंसीज इटसेल्फ बिकम एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोग करेंसीज का बिजनेस करने लगे हैं, वेस्टर्न यूनियन उनमें से एक है क्योंकि ये जो रेट कम ज़्यादा होता है उसी से वो इतना प्रॉफिट कम ज़्यादा कम अर्न कर लेती हैं। इट इनहेंसेज एफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन, मोर अटेंशन इज गिवन टू द एरियाज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हर कंट्री अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरा फोकस लगाती है, बजट एलोकेट करती है कि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग रहे इंटरनेशनल मार्केट में, सो ज़्यादा रिसोर्सेज उस पर एलोकेट किए जाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ गई है इंटरनेशनल मार्केट की फ्लेक्सिबल मेथड की वजह से। डीमेरिट्स, इट मे कॉज इंस्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल मार्केट, मार्केट इंस्टेबल रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, देखो रेट बार बार ऊपर नीचे होता रहता है तो मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहती, इक्विलिब्रियम रेट हमेशा चेंज रहता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट पॉलिसी एज देर इज इंस्टेबिलिटी इन द मार्केट, एग्जिम पॉलिसीज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज बनाना बहुत डिफिकल्ट है, एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा तो इम्पोर्टर्स को नुकसान होगा, इम्पोर्टर्स को फायदा होगा तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा, सो रेट बढ़ना हमेशा अच्छा होता है ऐसा नहीं है, रेट बढ़ रहे एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा है बट हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है, इकॉनमी वीक होगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के सामने, सो मार्केट हमेशा अनस्टेबल रहती है जिस वजह से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना ही बहुत डिफिकल्ट है। डे टू डे फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट मार्केट मेक्स बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर डिफिकल्ट एक्सरसाइज, मुझे दुबई जाना है, दिरहम चाहिए, मैंने फ़ोन किया, रेट बताया, मैं मार्केट रेडी हुआ, दिरहम लेने गया, रेट चेंज हो गया, रेट बार बार चेंज होता है जिससे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का बायलैटरल ट्रेड डिफिकल्टी से बनता है। सर आपकी फीस कितनी है, 1350, मैंने 1350 लिया, आपको पढ़ाया, ख़त्म। बट फॉरनर्स को पढ़ाना ऐसा नहीं है क्योंकि रेट बार बार चेंज होता रहता है, रेट बार बार चेंज होता रहता है तो हैंस प्रॉब्लम। सो डे टू डे फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट मेक्स बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज, क्लियर। आई थिंक वी आर लेफ्ट विद वन मोर लेक्चर, वन और वन एंड हाफ, वी विल बी वाइंडिंग अप फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम एंड फिक्स्ड टुमारो। अभी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन पेंडिंग हैं और एक छोटू सा टॉपिक है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, द थर्ड मेथड। सो टुमारो इन लेक्चर 5 वी विल कंप्लीट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। टिल देन बाय बाय।